कुमाऊं के सबसे बड़े एमपी पीजी कॉलेज में आज छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कॉलेज के प्राचार्य एनएस बनकोटी ने बताया कि कुमाऊं के सबसे बड़े कॉलेज में छात्र संघ कार्यालय ना होने के कारण छात्र छात्राओं के कई तरह की दिक्कतें उनके सामने आ रही है, लेकिन छात्र संघ की नवनिर्मित अध्यक्ष रश्मि लमगड़िया ने छात्र संघ कार्यालय की मांग की, जिसके बाद एमपी पीजी कॉलेज प्रशासन ने छात्र संघ कार्यालय का प्रबंधन कराया। छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि ने बताया कि छात्र संघ कार्यालय के खुलने से छात्र छात्राओं की सभी समस्याओं का निस्तारण तत्काल ही किया जाएगा और इसके द्वारा हमेशा छात्र छात्राओं के लिए जो है इसके द्वार हमेशा खुले रहेंगे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। छात्र संघ का जो कार्यालय हमारे महाविद्यालय में स्थापित हुआ है, क्योंकि ये हर महाविद्यालय में छात्र संघ का एक कार्यालय होता है। बीच में कोरोना के कारण यहाँ पर छात्र संघ चुनाव भी नहीं हुआ, जो कार्यालय इनका स्थापित था उसमें छात्र संघ का चुनाव कार्यालय खोला गया था और इनके पास कोई भी अपना एक कक्ष नहीं था, इनकी डिमांड थी। तो हमने सीमित संसाधनों के होते हुए भी प्रयास किया कि हम इनको एक कार्यालय के रूप में एक छोटा सा कमरा हम इनको अवेलेबल कराएँ, ताकि ये वहाँ पर बैठ करके कॉलेज की जितनी भी समस्याएं हैं, छात्रों की जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए एक कमरे में बैठकर समाधान निकाल सके। सबसे पहले मैं सभी को प्रणाम करती हूँ और सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देती हूँ कि आज उनकी समस्या के समाधान के लिए कुमाऊं के सबसे बड़े महाविद्यालय में पहली बार छात्र संघ भवन का आज उद्घाटन हुआ है और ये उद्घाटन हमारे कॉलेज के हमारे सम्मानित बड़े भाई हमारे छात्र ये सफाई कर्मचारियों द्वारा ये उद्घाटन करा गया, क्योंकि वो लोग हमारे महाविद्यालय परिवार से जुड़े हुए हैं तो उनके द्वारा आज ये उद्घाटन करा गया और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी भी है।